तो यार बस अभी बैठा हूँ और यार इतनी तेज हवा चल रही है, तुम लोग की सोच है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहे हैं 6:39, तकरीबन 7 बजने वाले हैं। और भाई साहब दुआ करो कि हमारा कॉइन ऊपर चला जाए तो पैसे ही पैसे और ये तुम लोग बाहर का माहौल चेक कर सकते हो, तुम लोग को आवाज़ आ रही होगी फुल तेज़, ज़रा सुनो। तो भाई बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, ये तो बंदा नीचे हो तो भाई फट के हाथ में आ जाए। और कल ये स्नो होती रही है पूरा दिन, ये तुम लोग देख सकते हो, सुनने में आ रहा है कि आज भी स्नो होगी। तो यार बस अभी अभी उठा हूँ क्योंकि ये बिल्लियाँ बार बार बोली जा रही थी मियाँ मियाँ मियाँ, तो अभी मैंने इनको रोटी शोटी दी है। और बस अब खैर नींद तो हमारी पूरी है, तो मैंने कहा यार आज टाइम से उठ गए हैं तो आज भाई व्लॉग बनाते हैं। आई नो यार 10 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे, बस यार बिजी हूँ, एग्जाम्स हैं मेरे सून, तो दुआ करो कि यार जल्दी जल्दी से पास हूँ। पास तो तब होऊंगा ना जब पढ़ूंगा यार, पढ़ तो रहा हूँ यार, बस अब तुम लोग की दुआएं हैं, फेल हो गया तो बस फिर तो दुआ करो कि भाई हम लोग पास होए और फिर पाकिस्तान आए, फिर ईद भी तो करनी है, हम लोग का सुकून नहीं है। सो जाए करो यार, क्या करते हो हैं, ये बिल्ला है ना ये बड़ा तंग करता है। एक तो इसकी जो फरारी का इंजन है ना V8 चलता रहता है बार बार 24 घंटे, बंद ही नहीं करता। तो यार बस अभी अभी नीचे आए हैं और तुम लोग को यार मैं वेदर दिखाता हूँ बाहर का। तो यार ये तुम लोग देख सकते हो भाई, ये कल रात को पूरी स्नो हुई है और अभी तो सूरज निकला हुआ है, इतने मजे का सूरज निकला हुआ है ना कि क्या ही बात है। लेकिन भाई फायदा कोई नहीं है सूरज का, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा साथ चल रही है तो भाई कोई फायदा नहीं। मैं तो कहता हूँ आप चले ही जाओ, है चांद को भेज दो अबे साले। तो बाकी यार सबसे पहले तो आई नो तुम लोग गुस्सा हो, ऊपर से भाई मुझे इतने DMs आते हैं ना इंस्टा पे कि यार किधर भाग गए हो, व्लॉग पे अपलोड करो। यार मैंने तुम लोग को बताना है मेरे चल रहे हैं एग्जाम्स और इस मंथ के एंड पे खत्म हो जाएंगे। तो यार ये महीना जो फेब का है ना भाई बहुत लेजी वाला गया है और प्लस एग्जाम्स चल रहे हैं, बस दुआ करो कि आपके भाई के एग्जाम्स अच्छे गुजरे। और साथ ही साथ भाई नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हम लोग फिर भाई टूर शुअर पे भी जाएंगे, सरप्राइज है, ये तो सरप्राइज है, मैं तो नहीं बता रहा तुम लोगों को। तो बस यार यही महीना थोड़ा सा अप एंड डाउन है, व्लॉग थोड़ा सा लेट आया करेंगे, बाकी तुम लोगों ने टेंशन लेनी, सून हम लोग फिर डेली व्लॉगर बन जाएंगे, हैं डेली व्लॉगर बन जाएंगे। अच्छा हमको सिखा रहा है। तो यार जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब का बटन दबा दो, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाओ ताकि जब भी व्लॉग अपलोड करें तुम लोग को नोटिफिकेशन आ जाए करे। तो यार अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे घर का सामान समून लेने। और ये तुम लोग को मैं पार्किंग दिखाता हूँ, ये देखो थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ी हुई है। ओए 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 ये क्या, और आई थिंक ये वाली हमारी पार्किंग। तो बस इतनी खास स्नो नहीं हुई, रात को सही हुई थी स्नो, लेकिन सुबह तक मैं आज से सूरज वगैरह आ गया था तो आधी स्नो पिघल ही जाती है, तो वो फायदा नहीं है। ये होना लाइव स्नो, आह मजा ही आ जाए, बंदा तुम लोग को भी दिखाए फिर। तो यार ये तुम लोग देख सकते हो स्नो कितनी क्यूट लगती है हाउसेस के साइड पे, साइड वॉक्स पे, तो ये तुम लोग देखो आया है क्यूट है ना गाइस, नाइस। तो यार अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट डिपो सामान वगैरह लेने घर का। और साथ ही साथ यार मैंने एक चीज नोटिस की है अभी के भाई मेरी बियर्ड जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो रात को ना जरा इसको छोटी मोटी करते हैं। बाकी तुम्हारे भाई के बाल तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ कि बाल की कटिंग शटिंग करवाएं या ना करवाएं। नहीं तो यार ये आगे हैं हम लोग रेस्टोरेंट डिपो, और ऐसे लगता है ना कि जैसे कोई ऑफिस वगैरह है। ये भी तुम लोग को मैं अंदर से जाके दिखाता हूँ, पार्किंग कहीं अंदर ही लगाते हैं सुकून से ना, अंदर भी पार्किंग लगती है, तो आओ तो अंदर जाके पार्किंग लगाते हैं, तुम लोग को दिखाते हैं। अब जगह मिल जाए पास अंदर, मुझे तो लग रहा है फुल ही है क्योंकि वो लाइन भी फुल है और सामने भी फुल है। रिवर्स ही मार लेते हैं इंसानों की तरह, परफेक्ट तो पार्किंग, वेल डन। तो भाई जी ये है मेन एंट्रेंस रेस्टोरेंट डिपो वेयर रेस्टोरेंट शॉप, तो अभी आओ अंदर चले भाई, ठंड इतनी है ना तुम लोग की सोच है। तो यार ये है अंदर से, और यहाँ पे है पानी इंसानों की तरह, यहाँ भी है पानी चुम्पी चुम्पी चुम, ये सही है। तो ये तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे लोगों ने पार्किंग लगाई हुई है, और यहाँ पे पता नहीं कोई स्पेनिश गाना लगा हुआ है। अच्छा एक तो ये है कार्ट और एक ये है, लेकिन हम लोग को ना ऐसी चाहिए जिसके ऊपर भी स्टैंड हो। ये भाई मिल गई, ये सही है, चलो भाई दिस वन इज परफेक्टो। तो यार जो कार्ट है वो मैं साइड पे रख के आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं तुम लोग को थोड़ा सा दिखा देता हूँ
यार ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं जिनकी दुकानें हैं वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ से शॉपिंग करके जाते हैं। अच्छा, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे रेट पे सामान मिल जाता है और वो भी ज्यादा क्वांटिटी में। तो ये यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो तोरों में सामान है। अब जैसे हम लोग वहाँ पे इतवार बाजार से सामान लेते हैं अच्छी क्वांटिटी में कम पैसों में, और यहाँ पे भी यही सीन है। ये तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे वेजिटेबल्स लगे हुए हैं सारे, और वेजिटेबल्स नहीं है बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग को वेजिटेबल्स वगैरह नहीं चाहिए, हम लोग को दो तीन चीज़ें चाहिए बस। तो ये यहाँ पे ये भी लगे हुए हैं, और यहाँ से तुम लोग ब्रेड्स वगैरह भी लेके जा सकते हो। भाई ये ट्रॉली ख़राब है मेरे ख्याल से, इसका एक पैर टूटा हुआ है लंगड़ा। मेरी किस्मत ख़राब है, जब भी आता हूँ ना टूटी हुई कार्ड मिलती है मुझे। तो यार ये तुम लोग साथ साथ देख सकते हो सारा सामान मिलेगा तुम लोग को। टूर तुम लोग को बाद में दिखाते हैं, सबसे पहले जो हम लोगों ने घर का सामान लेना है ना वो ले लेते हैं। तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं अंदर फ्रीजर रूम में, बड़ी ठंड लग रही है मुझे। तो भाई इसको रखते हैं यहाँ पे, वहाँ पे पड़े हैं एग्स, वहाँ से पहले एग्स ले लें क्योंकि वो साइड पे ना उसने बंद किया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो। तो आओ एग्स लें, एग्स। तो यार ये हैं एग्स जो हम लोगों ने लेने हैं। तो ये मुझे दोनों हाथों से उठाने पड़ेंगे। तो आज टूट गए तो टूट गए, पैसे देने पड़ेंगे। तो भाई साहब मैंने किसी और की कार उठा ली है, पुरानी वहाँ पे पड़ी है, ये सही है। फिर भी इसको लगाते हैं इधर साइड पे, और आओ तुम लोग को दिखाते हैं थोड़ा सा स्टोर। तो यार ये तुम लोग देख सकते हो बड़े बड़े पैकेट्स लगे हुए हैं, आई थिंक दिस इज चीज। तो यार लास्ट टाइम मैं यहाँ से फ्रूट लेके गया था, तो आओ कुछ ले लेते हैं यहाँ से। ये है बेरी, एक ये ले लेते हैं, और चेरी भी ले लेते हैं। चेरी 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 चेरी, ये सही है, चेरी आ गई, चेरी आ गई, बेरी आ गई। तो यार चेरी आ गई, बेरी आ गई, और बाकी सामान आगे से देखते हैं। ये देखो ये पोर के मैं आपसे रिब्स वगैरह है, आई 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 देख के ही दिल खराब हो जाता है मेरा। तो 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। और यार ये तंदूरी नान ले लेते हैं, एक दो तीन, ओके। चलो जी आ गई, बहुत ठंड है, फ्रीजर रूम से बाहर निकले। बुम 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 पी 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 पी। तो यार मेनली यहाँ पे यही सामान मिलता है अच्छी क्वांटिटी में, और ये तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे ये प्लास्टिक के कप्स हो गए, ठीक हो गया अच्छी प्राइस में। ये देख सकते हो कर्टन लगे हुए हैं बड़े बड़े, और यहाँ पे वो थे पैकेट्स वगैरह, और ये तुम लोग देख सकते हो। तो जिनका अच्छा बिजनेस है फूड का या किसी का रेस्टोरेंट है, तो हर कोई ही यहाँ से आके सामान लेके जाता है, हर कोई जिसका लाइक स्टोर हो गया, गैस स्टेशन हो गया, चिप्स वगैरह, बाकी सामान वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह, हर कोई यहाँ से ही आके लेके जाता है। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। इसको ना इंसानों की तरह रखते हैं यहाँ पे। तो अभी मेरे माइंड में और तो कोई चीज़ आ नहीं रही जो लेनी है, और वैसे ही घूमते हैं कोई माइंड में चीज़ आ गई तो ले लेंगे। यहाँ पे सारे मसाले वगैरह भी हैं, मसाले वगैरह भी मिलते हैं, लेकिन हम लोग को तो कोई मसाला वगैरह नहीं चाहिए, तो कुछ और देखते हैं अगर मिल जाता है काम का। और ये आ गई यहाँ पे सारे सोडाज, ठीक हो गया। भाई सोडा मैं ले लेता, लेकिन भाई पापा ने मुझे उस दिन इतना डांटा है ना, इतना डांटा है कि भाई सोडा पी पी के मोटे हो गए हो, ये हो गए वो हो गए हो। तो भाई सोडा पीना ख़त्म कर दिया मैंने। अब तुम लोगों ने देखा होगा कि जब भी मैं ब्लॉग स्टार्ट करता था सुबह का लाटे वगैरह लेता था, वो भी भाई हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। अगर अब हम लोग लाटे वगैरह लिया करेंगे तो सिंपल हम लोग ब्लैक कॉफ़ी लिया करेंगे, नो शुगर नो फ्लेवर नथिंग। क्योंकि तुम लोगों ने भी नोट किया होना है, मेरे पुराने ब्लॉग्स में जाओ और अब वाले मेरे ब्लॉग्स देखो, भाई बहुत डिफरेंस आ गया भाई। मैं वेट जो है गेन कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और हालांकि मैं ऐसा हुआ करता था एक वक्त में, जो मर्जी खाता था मैं भाई, मेरी बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ता था, लेकिन ये लास्ट 6 to 8 months भाई साहब मैंने वेट इतना गेन किया ना, और थोड़ा सा मुझे ये सूट भी कर रही है लुक, लेकिन स्टिल भाई साहब शुगर नो मोर, नो मोर शुगर। तो इस सेक्शन से हम लोग निकलते हैं, भागते हैं, रफा दफू कुछ काम का ले लेते हैं, या छोड़ो इनके अंदर भी शुगर वगैरह होती है। पापा जी ने मुझे गुस्सा चढ़ा दिया, गुस्सा पापा जी ने गुस्सा चढ़ा दिया मुझे। यहाँ पे ना एक बड़ी चीज़ ख़राब है, काम के स्नैक्स नहीं है यहाँ पे, नहीं तो बंदा स्नैक्स वगैरह ही ले ले।
तो ये यहाँ पे सारा होल सेल का सारा सामान है बस, और कुछ भी नहीं है। तो आओ निकलते हैं। तो ये तुम लोग देख सकते हो सारा सामान, ये साइंस वगैरह जो लगे होते हैं वॉशरूम्स के बाहर, और ये हैट्स वगैरह जो किचन वगैरह में काम करते हैं, और ये एप्रॉन, और यहाँ पे ये भी एक लगी हुई थी बॉटल्स वगैरह। कितने की हैं? आई थिंक ये है कैश प्राइस 85 बक्स का है। नाइस नाइस। आओ यार अपना सामान पकड़ें और निकलें। बिचू बिचू। तो यार ये हम लोगों ने कार्ड निकाल लिए, ठीक है, ये कार्ड स्कैन करेंगे तो हम लोग को डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट अब जरा पेमेंट कर लें यार, $90। ओ भाई साहब, थैंक यू। चलो भाई निकले। तो यार ये तुम लोग देख सकते हो लोग आते हैं सामान लेके जाते हैं। अच्छा है कि अंकल का एक ही है, अंकल पूरी वैन भर के लेके जा रहा है। अंकल का अच्छा बिजनेस होगा ना। हम तो आते हैं हफ्ते बाद अंडे लेके चले जाते हैं और बस बाकी स्टोर वगैरह से ले लेते हैं। लो जी गौरी जी सारा सामान आ गया, एग्स बाकी सारा सामान। ओके तो यार अभी गाड़ी पार्किंग में लगा रहा था, एकदम इसके अंदर ही लगी है, मेगा बजट हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। ओए ओए स्ट्रांग है वैसे स्नो, लेकिन बजट हो गई, ऑल गुड है। भाई भी मुझे कह रहा था यार ये निशान वगैरह तुमने पता नहीं क्या किया है। वो तुम लोग को याद होगा ब्लॉक के अंदर मैं स्नो साफ कर रहा था और मैं वो दूसरी साइड से कर रहा था जिसकी वजह से ना निशान बन गए थे यहाँ पे, ये तुम लोग चेक कर रहे हो। और ओए भाई ने मुझे जो गालियाँ निकालनी, जन्ना मुझे डांटा ना, तुम लोग की सोच है। तो यार अभी हम लोग सुपर मार्केट आए हैं क्योंकि हम लोगों ने लेना है डिटर्जेंट। मुझे भाई कह रहा था लेता हुआ आई और अब मुझे नहीं समझ लग रही कि कौन सा लें, कभी ज़िंदगी में कपड़े धोए हैं नहीं मैंने। यम 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 यम, कौन सा लें, ये ना ले लें, ये सही लग रहा है मुझे, तो यही ले लेते हैं। आ जाओ पीछे यार, ये क्या है? अभी इसके पास से मैं गुजरूँ, इतने मज़े की स्मेल आ रही थी। लेकिन इसके ऊपर बच्चे बने हुए हैं, ये तो बस लैंग्वेज भी दूसरी है। कुलादियो सुपीरियर एक्स्ट्रा अरोमा डियास, व्हाट इज दिस मैन, इंग्लिश में भी नहीं लिखा हुआ है। तो यार तुम लोग को पता है सैमसंग S24 अल्ट्रा आ चुका है, लेकिन यार महंगा बहुत है। तो यार उसके लिए मैंने सेविंग स्टार्ट कर दी है और मैं डेली बेसिस पर बायनामो पर ट्रेडिंग करके अच्छी खासी सेविंग कर रहा हूँ। तो आओ यार मैं भी तुम लोग को बायनामो यूज करना सिखाता हूँ। अच्छा तो यार यहाँ से मैं डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता हूँ। मैं अप का बटन दबाऊंगा कि ये भाई यहाँ से ट्रेड अप जाएगी, तो लेट्स सी। और यार ये यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो हम लोग ट्रेड जीत गए हैं। बायनामो की सबसे यूनिक बात ये है कि ये स्टडी मटेरियल, ग्राफ्स और डैगर टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे हम मार्केट को समझे। और अब बायनामो पर एक नया फीचर भी आ गया है इनवाइट अ फ्रेंड का, जिसमें आप बायनामो से कॉपी लिंक करके अपने फ्रेंड को भेजोगे जो उससे बायनामो ज्वाइन कर लेगा और इस तरह उनके हर ट्रेड पर आप $10 से $20 डॉलर अर्न कर सकते हो। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बायनामो डाउनलोड करो और साथ ही साथ बायनामो हमें इजी ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करता है जैसे बैंक ट्रांसफर और इजी पैसा। तो यार देर कैसी, तो अभी दिए गए लिंक से बायनामो का हिस्सा बनो और मेरा प्रोमो कोड यूज करके हासिल करें अपने पहले डिपॉजिट पर 50% का बोनस। तो यार अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल और नीचे गाड़ी नहीं खड़ी हुई थी पार्किंग में, किधर है हमें तो नहीं लेके गया। नहीं यार हामिद ने लेके गया, वो रात को ना उसकी चेक इंजन लाइट आ गई थी पहले, तो वो मिसिंग कर रही थी गाड़ी। चेक इंजन लाइट तो BMW हो तब आनी चाहिए, इसकी भी आ रही है, बेच ही दो गाड़ी को भाई, बुढ़ी हो गई है, दिमाग खराब है या अभी नई गाड़ी है मेरी, बेचो नहीं ले 2024। भाई $1,00,000 का ट्रक है, 90 पर नया लेते हैं ना फिर से। तो पागल है, नया लेते हैं। नया कितने का है वो जो ब्रांड न्यू है? वो
वो $97,000 है नया लेते तो बंदा नया मॉडल ले ले है। नहीं 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 अभी नहीं, दो साल के बाद लेंगे। अभी उसको मैंने बोला सामान मंगा तो बोलता है कि टेम्परेरी इसके प्लग और इसकी मैं वायर चेंज कर देता हूँ तो बाकी पूरी किट मंगाता हूँ। $1,300 की है वो, एक वीक में डिलीवरी आएगी। तो वो मैं तुम्हारा कार्ड नंबर दे दिया, मेरा दे दिया। हाँ। यही पाकिस्तान होता है ना, $1,300 की जगह $100 में काम हो जाए जिगाड़ लगा के। नहीं है पाकिस्तान नहीं है ना, तो तुम्हारे उसमें से $1,300 निकालेगा। मेरा तो, मेरा डेबिट नहीं चल रहा। नहीं, कार्ड दिया मैंने तुम्हारा जिसमें बहुत पैसे है। बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही है, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। तो यार अभी जा रहे हैं मॉल और ये तुम लोग स्नो देख सकते हो भाई, हुई हुई थी स्नो। अभी कब होनी है फिर से स्नो? कहते हैं 2 दिन के बाद फिर है, लेकिन इतनी नहीं है, ऐसे हल्की सी स्नो। पता नहीं लास्ट टाइम जो सही हैवी वाली अब थी, तुमने मुझे ये हुई थी। गाड़ी चलाने के लिए पकड़ा दी है, ये ऐसे लगता है जैसे पता नहीं मैं वो क्या उसको बोलते हैं कुकड़ियों के दड़बे में बैठा हुआ। अब वो बड़ा ट्रक ये छोटी सी, अब हमारी गाड़ी की बिस्ती हो रही है। बिस्ती हो रही है निकी बनावी ये। नहीं भाई जब आप बड़ी गाड़ी में से बैठ के छोटी गाड़ी में आओ तो ऐसे ही फील होता है। फिर अभी मॉल पहुंचते हैं फिर जाते हैं मॉल के लिए। अनजाने ही मॉल यार, वो एप्पल प्रो विजन आया हुआ है वो देखना है। तो भी अन्ना बन लेगा? अन्ना नहीं, फिर मैं गाड़ी में बैठ के चलाया करूंगा और फिर गाड़ी को ऑटो मोड पे छोड़ देंगे टेस्ला की तरह। बिजनेस किया करेंगे हम लोग बिजनेस ऐसे ऐसे ऐसे। उसके बाद तुम बोलोगे मैं टेस्ला लेनी है। टेस्ला नहीं यार, अब तो बहुत ज्यादा गाड़ियां आ गई हैं जो ऑटो मोड पे चली जाती हैं। BMW हो गई, टोयोटा भी, टोयोटा में भी आ रही है मेरे ख्याल से। टोयोटा ने एलेक्सिस में आ गई है। हां बहुत है अब तो गाड़ियां एलेक्सिस में आ गई है। तो यार अभी हम लोग मॉल के अंदर आ चुके हैं और ये है एप्पल स्टोर। ये हम लोग सामने तुम लोग देख रहे हो एप्पल प्रो विजन। तो आ जाओ अंदर जाके देखते हैं। तो यार ये है एप्पल प्रो विजन, आप देख रहे हैं ये उसने बताया हुआ है, मतलब ये हम लोगों ने पहना हुआ है और ये ऐसे हम लोग को रियल लाइफ में दिखेगा। ये पहन नहीं सकते यहाँ? तो आप पहन सकते हैं ना? नहीं तो उतरता ही नहीं। नहीं उतरता? नहीं। तो ये उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके ओके। तो ये इस तरह होगा, इस तरह आपने ये पहना होगा। तो लेना ले, यहाँ पे कितने का है? 3500 का है बस। तो तू पागल है 3500? तो ये देखे ना कितना काम कर सकते हैं हम लोग। ये देखो भाई लोग चेक करो, मुझे ये पता क्यों नहीं अच्छा लगता जो इसके साथ बैटरी है ना इस वजह से। और जेब तो पाग रखो, ये देखें बकरा टूरिंग ताकि ये चेक करें ले लें आपके लिए। और नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए भाई, तुम रखो। ये देखो यार भाई लोग कितने मजे का है। चंगा भला टेलीफोन है यार, इसकी बैटरी मेरी खराब हो गई है, 89 हो गई है इस फोन की, 14 प्रो मैक्स की। कलर देखते हैं, एक तो ये कलर है। गाइस कमेंट में बताओ कौन सा कलर लें। यार रहन दे यार, वो ले दें यार। नहीं यार रहन दे फोन, ओए मेरा 14 प्रो मैक्स की बैटरी खराब हो गई है, दिल कर रहा है मेरा लेने का। दफा मार रहा है 1200-1300 रुपया जाया करें। ओ यार खैर है, ओ तू पागल है क्या? अभी पैसे स्पेंड करी प्रो विजन तो नहीं, ये ले लेते हैं। आ यार छड़ परे। तो यार जब भी मैं मॉल में आया हूँ तुम लोगों को पता है नई गाड़ी खड़ी होती है, और आज इस दफा ओडी RS5 स्पोर्ट्स बैग खड़ी हुई है। पापा ने अलग निकाल लिया, कितने की है? $95,000 टैक्स एक्स डाल के 1,00,000 से ऊपर। और ये गाड़ी चेक करो तुम लोग, ओ भाई खूबसूरत। और ये मेरा फेवरेट कलर है, माय फेवरेट कलर। दरवाजा खुलता हो कोई काला लेके भाग जाएगा। इतने बेगैरत हो यार, मैं तेरे को बड़ी क्लास की एक गाड़ी लेके दूंगा। अल्लाह मियां ने मेरा मोबाइल तो लेके नहीं दिया, मोबाइल छोड़। तो यार ये मेरा फेवरेट कलर है ब्लू, माय फेवरेट कलर। ओए होए होए, और ये मेरे हाल से स्पोर्ट्स है यार। तुरा टेलीफोन ते पैसे ना बर्बाद कर, मेनू कॉफी पिया। कॉफी? हां आओ कॉफी पीते हैं, आ जाओ। यार हम लोग को एक और गाड़ी नजर आई है और ये है फुली इलेक्ट्रिक। ये नहीं सही? आहो चेक करें हां की ये गाड़ी दा, गाड़ी का तो नाम मुझे खुद नहीं पता, एयर बैग लिखा हुआ है। और ये तुम लोग देख सकते हो यार कितनी प्यारी है गाड़ी, और ये है फुली इलेक्ट्रिक। ओए होए 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 भाई साहब कितने मजे किए।
और ये देखो मिनी स्क्रीन है। तो ये है गाड़ी, तुम लोग देख सकते हो फुल इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक तो फिर भागती है, लेकिन गैस इस गैस भाई, तुम लोगों को पता है फिर। और okay. कहता है जी 500 किलोमीटर चलती है एक दफा चार्ज करने से। 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर बहुत बैड, 500 अमेरिकन अमेरिकन गाड़ी है लेकिन असेंबल्ड बाय यूरोपियन एंड फ्रेंच। वो बैटरी खड़ी है। क्या बात है, आज गाड़ियां खड़ी हुई है यार। बेंटलियां भी है। वैसे ये हमारा मूड बना रहे हैं गाड़ियां दिखा के ना, क्योंकि गाड़ी कोई ले ही लो। इसकी प्राइस कहाँ लिखी है टोटल? वो है ओ भाई 333,250 डॉलर। ये इधर ही अच्छी लग रही है। अरे दफा मार, इन्ने पैसे मेरे को लोन मैं घर का ले लाऊं दिया जाए को। तो यार ये तुम लोग देखो कितने मजे का उन्होंने एक बॉल लगाया हुआ है, वाटर बॉल, और कितना खूबसूरत लग रहा है। ये तुम लोग देखो इसके अंदर पानी इसके ऊपर से आ रहा है। लोगों ने ना कॉइन्स गिराए हुए हैं, तुम लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत है। नाइस। और अगर ये रात के टाइम चलता हो, नीचे कोई लाइट लगी हो, कितना खूबसूरत लगे, है ना। पापा निकल गए, आओ पापा के पास चलें। अभी खाना क्या रात को? यार मैं तो कहता हूँ रात को कीमा खाते हैं। कीमा मटर बनाए? कीमा मटर कीमा शिलमा ना बना लें। शिलमा नहीं शिमला नहीं यार, मटर कीमा मटर। ओके, और ये क्या है? गावा ना, इसको गावा कहते हैं। गावा ही पेठा। हाँ। कौन सा पेठा? कद्दू, सॉरी कद्दू। अच्छा हाँ, छोटा कद्दू। ये मीठा नहीं होगा मेरे ख्याल से। मटर मेरे ख्याल से आगे पड़े हैं, मैं लेके आता हूँ। तो यार ये आगे मटर, ये मटर ही है ना। हाँ, ग्रीन पीस ये ले लेते हैं। मटर मेरा नाम है ऋतिक रोशन। ऋतिक, मेरा नाम है ऋतिक। आर यू कॉमेडी मी भैया? ये देखो गन्ने गन्ना। ये गन्ना है? गन्ना। तो गन्ना तो व्हाइट नहीं होता? नहीं नहीं, ये इस कलर में भी आता है। क्या बात, तो ये ले खा सकते हैं हम लोग? चूप जैसे गन्ना नहीं चूपते? नहीं नहीं, चूपते नहीं है, खाते हैं। खाते नहीं, चूपते हैं। ये है इमली। अच्छा इमली, इमली। ये है खीरा। अच्छा, ये तो हमें भी पता है। ये खीरा, इटालियन खीरा। तो गड़बड़ करे थे भावे मुंह थाणी थे, यू नो। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ खीरा है। अच्छा, इधर आओ तुम्हें एक और चीज दिखाऊं। भाई पापा हमें बताने लगे हैं ये क्या क्या सामान है। हाँ, इसको कहते हैं बैंगन। बैंगन बड़ा पतला हुआ है, ये देखो। सुखरा हुआ है, ढीला, मेरे तरह ढीला। अच्छा, दिस इज एलोवेरा। ओके, ये किस लिए यूज होता है यार? ये लेडीज इस्तेमाल स्किन के लिए। हाँ, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होती। वुमेन। फिश खानी? नहीं यार, फिश नहीं। ये देखो सर भाई, ये देखो, ये इधर पड़ा होगा केकड़ा। ओए ओए ओए, तो यार ये तुम लोग चेक करो केकड़े। और ये मैं आज जिंदा है? आहो, वो जिंदा, वो ऑक्टोपस। ये $8 का? नहीं नहीं, $8 पाउंड है। हाथ लगाए इसको, ये लो। ये देखो फ्रेश फिश, पूरी मच्छी भाई। ये देखो इसका हेड, ऑक्टोपस। यार लोग कैसे खा लेते हैं ये है? कैसे खा लेते हैं लोग? बेटा लोग तो बड़ा बड़ा कुछ खा लेते हैं, चाट भी लेते हैं, खा भी लेते हैं। तो ये तो फिर मछली है। और ये आ गया पोर्क। तो भाई ये तो छोड़ ही दो, ये लोग ही खाते हैं ना। देखो ही ना, और अगर तुम लोगों ने सूंघ लिया मर जाओगे कसम से। इतनी गंदी स्मेल होती है ना, भूल ही जाओ दूर दूर तक भाई, बहुत गंदी स्मेल होती है। तौबा तौबा तौबा। ये देखो, ये है दिल, मुर्गी का दिल। हम्म, अच्छा ये देख, पाकिस्तान में नहीं खाते पोटे, पोटा गर्दना है। तो ये तो हमें भी पता है क्या क्या है इसका। पता है इसका, पाकिस्तान में सूप बड़ा पीते। अच्छा, जो इसके पी है वो। ये देखो कलेजी, छोटी छोटी कलेजी। ये तो हमें भी नजर आ रहा है क्या क्या है। मैंने कहा शायद तुमको अमेरिका में मिलता नहीं है कुछ भी। अच्छा हाँ, उसके लिए तो यार ये देखो सारा कुछ मिलता है। और ये तुम लोग को हलाल भी मिल सकता है, अगर तुम लोग दूसरी साइड पे जाओ, पैट्रिसन एडिसन, सारा कुछ तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है समरिया। तो यार बस अभी उठा हूँ, मेरी तो आंख लगी थी खारा शाना खा के भाई, मैं सो गया था। बस अभी उठा हूँ, टाइम हो रहा है, वो बज रहे हैं 1:34, ये तुम लोग देख सकते हो। और ये मैं आ गया, ये कहाँ से आ गया, और पीछे देखो
ये मैं गेमिंग चैनल के लिए वीडियो बना रहा था तो फिर पीछे ना ये मैंने सामान रख दिया था ताकि एक फनी क्लिप निकल आए, लेकिन खैर वो हम लोगों ने वीडियो पोस्ट ही नहीं की, बड़ी देर हो गई है। और अभी ये लेके आया हूँ मैं कैंडल, बहुत मजे की। तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने व्लॉग में लेके आए थे। भाई साहब इसको चलाना है 5 मिनट और भाई साहब ऐसे लगना है कि हम लोग हेवन के अंदर है, हेवन में। अच्छी स्मेल होती है तो फिर दिल लगा रहता है ना, समझा करो। तो यार इधर ही मैं ब्लॉग को एंड करने लगा हूँ। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब का बटन दबा दो, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाओ ताकि आज जब भी वीडियो अपलोड करूँ तुम लोग को नोटिफिकेशन आ जाए करे। बाकी यार आई नो ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहे हैं, बस यही मंथ है, उसके बाद मार्च में हम लोग डेली ब्लॉगर बन जाएंगे, तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। बाकी यार मेरे लिए दुआ शुआ भी करो यार, जरा एग्जाम्स हमारे अच्छे चले जाए तो गुड हो जाएगा ना। तो यार इधर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।